नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर ठाकरे आप सभी का ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा में स्वागत करता हूँ। आज सबके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल दिख रही, मालूम है मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि मेरे सामने आदमी भी वैसा है। अपने भारत के जाने माने फिटनेस ट्रेनर, सेलिब्रिटी ट्रेनर विनोद चन्ना सर आज हमारे साथ है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ईश्वर ठाकरे फिटनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में। थैंक यू विनोद सर, आपके बारे में हमें आज बहुत कुछ जानना है, आपकी सक्सेस स्टोरी जाननी है। मैंने कहीं तो पढ़ा था एक अखबार में, आप कई साल पहले एक सीए के ऑफिस में काम करते थे, वहाँ आपको खाली एक 1,500 रुपये कुछ तो पेमेंट मिलता था, उसमें आपका घर भी नहीं चलता था। उसके बाद आप फिटनेस इंडस्ट्री में आए, वहाँ आपको अच्छा खासा पेमेंट मिला, आप बहुत खुश भी हुए थे। तो एक शुरुआत के दौर में आपने कैसे एक फिटनेस इंडस्ट्री स्टार्ट की, फिटनेस इंडस्ट्री में आए, वो हमें जानते हैं। पहले कैसे था, वी आर फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग तो, बहुत सभी लोग अगर बॉम्बे के जितने आप बॉडी बिल्डर देखो, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लोग हैं। म्यूनसिपलिटी स्कूल में हमने पढ़ाई की है, उसके बाद नाइट कॉलेज किया, रात सुबह काम करते थे, रात को कॉलेज में आते थे। इस तरह से 10th के बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया फर्स्ट, कि मैं बहुत थिन था, लोग मुझे ऑलवेज टॉन्ट करते थे, शुक्ला पतला है। तो बचपन से वो मेरे माइंड में ऑलवेज था कि एक दिन इन सभी लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि बाहर वाले नहीं, घर वाले भी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सभी लोग कभी ना कभी कुछ झगड़ा हुआ कुछ हुआ तो एक ही टॉन्ट करते रहे, ये शुक्ला पतला तू क्या करेगा, वीक, हर बार बीमार गिरने वाला लड़का बचपन से, ऐसे लोगों ने मुझे देखा हुआ था। मैंने सोचा मैं ऐसा प्रोफेशन लूंगा जो एकदम अपोजिट होगा, एंड आई विल शो यू ऑल दिस पीपल वांट क्या बात। एंड उस तरह से मैंने प्रोफेशन चूज करके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ मैंने अपने पैर बढ़ाए, एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल फिटनेस में सबसे बड़ा नाम, 5-time बेस्ट ट्रेनर अवार्ड, बॉम्बे गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र सिल्वर गोल्ड, बॉम्बे जूनियर चैंपियन ऑफ चैंपियन, नोवाइस चैंपियन ऑफ चैंपियन, ऐसे 6 टाइटल मैंने लिए बॉडी बिल्डिंग में। फिटनेस में 5-time मुझे बेस्ट सेल्फी ट्रेनर ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिला है, एंड नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया मूवमेंट के लिए मुझे दिल्ली बुलाया था। एंड आप देखोगे जॉन इब्राहिम, अर्जुन रामपाल, विवेक ओबेरॉय, आयुष्मान खुराना, शिल्पा शेट्टी, हर्षवर्धन राणे, साहिशा सहगल, एंड और बहुत सारे लोग, टीवी इंडस्ट्री वाले, डायरेक्शन वाले, प्लस बिगेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री लाइक अंबानी फैमिली, बिरला फैमिली, बजाज, वेदांता ग्रुप, हीरो होंडा के मुंजाल, इन सभी लोगों को मैंने जाके सिखाया है। यहाँ ही नहीं, प्लस आउट ऑफ इंडिया जाके भी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द श्रीलंका उसको सिखाया है। फिर आप यहाँ पे भी देखोगे तो लोग दूर दूर से आते हैं, बिकॉज अभी मेरी आइडेंटिटी ऐसी हुई है, आई एम नोन फॉर एक्सट्रीम फैट लॉस, मीन्स जिसका वेट 100-150 किलो के ऊपर होता है, उनका फैट लॉस करने के लिए मुझे बहुत ही नाम मिला है, महारत हासिल भी हुई है, बिकॉज मैंने हैंडल किया है इन लोगों को, मुझे पता है इनकी बैकग्राउंड क्या होती है, उनको किस तरह से टैकल किया जाता है, यानी उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनको कैसे खुश रख के उनके हिसाब से उनको फैट लॉस करवा के दिया जाता है। तो लोग दूर दूर से आके यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, इफ़ यू सी द गूगल द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर में मेरा नाम आता है, लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरा उतना पेमेंट फीस पे करते हैं, एंड फैट लॉस करके खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। बहुत सारे लड़के भी शादी नहीं होती बिकॉज दे आर ओबीस, तो वो लोग के पापा भी उनको यहाँ पे भेजते हैं घर में, जाके यहाँ पे ट्रेन करो, और फिर अभी तो उनको चिंता होती है अपने बेटे की शादी नहीं हुआ, अगर ये ऐसे रह गई तो इनका फ्यूचर क्या होगा, तो वो लोग भी 3-4 महीने यहाँ पे भेजते हैं। ऐसे मलेशिया से लोग आए, दुबई से लोग आए, उत्तराखंड, दिल्ली, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से लोग, नॉट इवन अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री बट इंटरनेशनल लेवल से भी लोग यहाँ पे आके फैट लॉस होकर चले गए। उसके उन सभी के बारे में मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। प्लस जब मैंने स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग, ये जो सिचुएशन जो मेरी थी कि पतला बोलते थे, चुपड़ा था, तो मैंने जब चालू किया आर एम भट्ट जिम जो थी मेरे कॉलेज के नीचे ही थी, जहाँ पे नाइट कॉलेज था, उसके पहले 10th के बाद मैंने जो चालू किया था 10th एंड 12th तक, अगर आपको कोई राइट गाइडेंस ना हो तो आप कितना ही वर्कआउट करो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। 10th के बाद जब मैंने 12th के बाद मैं फर्स्ट ईयर में गया नाइट कॉलेज, वहाँ पे तो मैंने मनीष आडुलकर, संदीप जादव, ऐसे लोगों को देखा जो प्रोफेशनली वेस्टर्न रेलवे के लिए बॉडी बिल्डिंग करते थे।
तो उनके साथ दोस्ती बनाई, उनके लिए उनको हेल्प करता रहा, उनके साथ रहता था, धीरे धीरे उनके साथ रहकर मैंने अलग अलग चीज़ें बॉडी बिल्डिंग की सीखी एंड फिर वहाँ से धीरे धीरे मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने मुझे, फिर उसके पहले मैं यहाँ वहाँ छोटे छोटे जॉब करता था, जैसे आपने बोला सीए के बाद जहाँ पे 1500 रुपये मुझे मिलता था, जिसमें से 1200 रुपीज़ घर पे देना होता था, 300 रुपये मेरे 100 रुपये का पास होता था, 200 रुपये में हम लोग को डाइट करना पड़ता था। जैसे उस टाइम 50 पैसे को अंडा मिलता था तो थोड़ा बहुत काम चल जाता था, दूध 7 रुपये को आधा लीटर मिलता था। जो भी हम लोग को नॉलेज था उसके हिसाब से हम लोग डाइट प्लानिंग करते थे, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड बॉडी बिल्डिंग करने की कोशिश करना चाहते थे। भले वो नॉलेज 100% नहीं था बट जो भी हमारे पास उस टाइम, बिकॉज उस टाइम उतने न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए इंस्टीट्यूट नहीं थे, ट्रेनिंग नॉलेज के लिए फिटनेस इंस्टीट्यूट नहीं थे, प्लस अभी जैसे आप देखोगे हर चीज़ के लिए अपने टेक्निक के लिए आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे, फिटनेस के लिए फिटनेस एकेडमीज है, इंटरनेशनल एकेडमी यहाँ पे आ चुके हैं, जुम्बा ट्रेनिंग डांसिंग वाले ये आ चुके हैं जहाँ पे आप जुम्बा एरोबिक्स बॉलीवुड डांस मसाला भंगड़ा इस तरह से कार्डियो के लिए अलग अलग वेरिएशन ढूंढ सकते हो। फिर पिलाटे आया है जो 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 आया था फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंडीशनिंग के लिए, यानी जो इंजर्ड सोल्जर थे उनको रिकवर करके उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए। बाद में पता चला कि वो रिहैब ट्रेनिंग, वो कंडीशनिंग लोगों को आज भी जरूरत है। फिर बाद में बाहर वो मार्केट में आकर लोग उसको यूज़ करने लगे और उसमें और इम्प्रूवमेंट हो गए और बहुत सारे उसमें वेरिएशन निकले, बहुत सारे एक्सरसाइज निकले जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फिर कैलिस कैटेबल ट्रेनिंग है, HIIT तवाडा शॉर्ट वर्कआउट आया, अगर लोगों को टाइम नहीं है तो शॉर्ट टाइम में दे हाउ दे कैन वर्कआउट एंड फुलफिल देयर फिटनेस रिक्वायरमेंट। फिर फंक्शनल ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, एजिलिटी के लिए मार्शल आर्ट, अपने देश में जो है कलरिंग पटू जिसको लोग योगा जो इतने सालों से है, लेकिन लोग उसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था। लोग ऑलवेज वेस्टर्न चीज़ों को देखते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें योगा से पार्कोर बना है, कैलिस्थेनिक बना है, फिजियोथेरेपी बनी है, पिलाटे भी उससे निकला हुआ है, एरी योगा सिल्क योगा निकला हुआ है, इतनी सारी चीज़ें अभी मार्केट में आ चुकी है जो लोग सीख सकते हैं, उनके ट्रेनर अवेलेबल है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग में अच्छा खासा नाम किया, 15 साल बॉडी बिल्डिंग की मैंने बॉम्बे गोल्ड मेडल मारा, महाराष्ट्र गोल्ड सिल्वर मारा, फिर जूनियर चैंपियनशिप जीती, नोवाइस चैंपियनशिप जीती, 15 साल बॉडी बिल्डिंग की, सिक्स पैक थे, सब कुछ मसल वेसल थे। उसके बाद एक दिन मैं बीमार गिरा, बिकॉज आई यूज टू ट्रैवल ऑन द बाइक, एक बाइक पे मैं ट्रैवल करता था, तो बाइक पे कैसे था मैं घर घर जाके लोगों को सिखाता था। मेरी एक एक बात थी, मैं अगर एक आदमी को ट्रेनिंग करता था उसके थ्रू मुझे 10-12 क्लाइंट इजीली मिलते थे, बिकॉज पहले से मुझे हर लोगों को एक्सप्लेन करके उनके हिसाब से उनके लैंग्वेज में बता के उनको मैं अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा के सिखा सकता था, जिसके वजह से मेरे क्लाइंट बढ़ते थे। तो आई यूज टू ट्रैवल ऑन द बाइक, अब बाइक पे आप ट्रैवल जब करते हो तो मेरा एरिया था मलबार हिल से लेके अंधेरी तक, बहुत दूर, बहुत दूर, और धूप में, बारिश में, ठंडी के मौसम में, हर मौसम में आई यूज टू ट्रैवल ऑन दैट। सुबह 6 बजे उठ के रात को 10-11 बजे तक, वॉट एवर टाइम पीपल यूज टू कॉल मी आई गो एंड ट्रेन दैट। इस तरह से मैं ट्रेनिंग करता था लोगों को, तो उस ट्रेनिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया, 6-7 घंटे 15 साल बाइक पे ट्रैवलिंग करके मुझे स्टिफनेस हुआ था, बट एक्चुअली वो स्टिफनेस नहीं था, बिकॉज हम लोग सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करते थे, हम लोगों ने एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, स्पीड, इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था और हम लोगों को नॉलेज भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं था उस बारे में। और एक दिन मुझे जॉइंटिस और 3 बार मलेरिया हुआ एक ही महीने के अंदर हुआ, और मैं बैठ के उठा और स्लिटिस भी हो गया, यानी पिक ऑफ माई करियर, जब मैं जॉन, रितेश, सोहेल, जेनिलिया, आयुष्मान खुराना, हरमन बावेचा, अर्जुन रामपाल, विवेक ओबेराय, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, अंबानी, बिरला, सब लोगों को सीखा और आई गॉट स्लिप डिस्क। मेरे को इतनी कंडीशन खराब थी कि मैं एक पानी की बॉटल उठा नहीं सकता था, बैठूं तो उठना कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे उस चीज़ से निकलना तो मुझे पता ही नहीं चला था क्या करूँ। डॉक्टर पास था, डॉक्टर बता रहे थे स्लिप डिस्क के ऊपर ऐसा कुछ इलाज नहीं है, यू हैव टू टेक पेन किलर एंड थोड़ा रेस्ट करो एंड बस इस तरह से बता रहे थे। मैं परेशान हो गया था, बोला मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी मुझे सब कुछ ले ले कोई मुझे इससे निकाल दे, बिकॉज अगर आपकी बेसिक चीज़ें आपकी इफेक्टेड हो रही है, बैठना उठना,
तो बाकी चीजें तो भूल ही जाओ, एक्सरसाइज से आप कर ही नहीं पाओगे। उसमें मैं बेल्ट बेल्ट डाल के सपोर्ट मोड में मूवमेंट एक्सरसाइज करता था। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे कैसे इसे बाहर निकलू। धीरे धीरे मैंने योगा ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे यहाँ वहाँ इंक्वायरी करके स्टडी करके मुझे पता चला यू टू वर्क ऑन इनर था आउटर था ग्लूट सेपरेट मसल्स पे जो सपोर्टिंग सपोर्टिंग मसल जो उसको सपोर्ट करके आपको स्ट्रेंथन कर सके। फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे 18 मंथ तक रिकवर होने के लिए नाउ आई कैन डू बैक फ्लिप बैक साल्टो फ्रंट स्प्लिट साइड स्प्लिट मसल अप फ्रंट लीवर बैक लीवर एनीथिंग एजिलिटी मोबिलिटी कोई भी मूवमेंट बोलो जंपिंग जर्की वाले एनीथिंग आई कैन डू एंड दिस इज ऑल्सो आफ्टर 42 एज एंड 85 के जी बॉडी वेट में ये बॉडी वेट में फ्लिप फ्लिप सब कुछ कर सकता हूँ। क्या बात, यानी मेरा फिटनेस लेवल मेरे जो 20s में था उससे भी ज्यादा है। हैट्स ऑफ सर। या पहले लोग सिर्फ समझते थे सिक्स पैक आ गए तो फिट हो गए, ऐसे जरूरी फिटनेस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है। आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, भागना में आना चाहिए, जंप भी करना आना चाहिए, आपके बॉडी को एक हाथ पे उठाना नहीं चाहिए, एक पैर पे उठाना आना चाहिए जो आपको डेली लाइन। एक पैर पे उठाना मीन्स व्हाट, सिंगल लेग स्क्वाट करना आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको दो पैर पे चलना है तो आपको एक पैर पे अगर बैठ के उठना आ गया तो दो पैर पे चलना इजी हो गया। सिंपली बताने का ये क्या है उद्देश्य कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में जो करना है उससे एक्सट्रीम आपको जिम में करना है तो डे टू डे लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। ऐसे वहां पे आपको तकलीफ नहीं होगा, आपका एफर्ट नहीं जाएगा। दैट इज इजी फॉर यू, यू कैन परफॉर्म मोर बेटर एंड यू कैन अर्न मोर एंड यू कैन बेटर परफॉर्म देन एनी अदर पर्सन। ऐसे होता है। तो एक आपने बहुत कुछ बातें सिखाई हमें फिटनेस के बारे में। फिटनेस इंडस्ट्री में आपने ऐसे कौन से सर्टिफिकेशन किए थे इसमें? मैंने KLU से पहले सर्टिफिकेशन किया था, उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क से पिलाटे रिफॉर्मर और मैट किया। स्टिक मोबिलिटी आई एम द ओनली सर्टिफाइड इन ऑल ओवर इंडिया। क्या बात है। एनिमल फ्लो मैंने किया, कैटेबल ट्रेनिंग मैंने किया, फंक्शनल ट्रेनिंग का कोर्स मैंने किया, कैलिस्थेनिक पार्कोर किया, HIIT तवाडा किया, न्यूट्रिशन में मैंने क्लिनिकल स्पोर्ट्स वेट मैनेजमेंट तीनों किए। वेरी गुड। ऐसे करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करते रहा, पार्कोर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैलिस्थेनिक पार्कोर कैसे कंटिन्यू वर्कआउट है, ये ऐसे नहीं कि आपने दो महीने कर लिया और सीख लिया, इसमें एक एक मूवमेंट सालों का काम है। तो हर एक मूवमेंट के लिए आपको साल भर काम करना पड़ता है, साल भर बॉडी के एक ही छोटे छोटे मसल को कंडीशनिंग करना पड़ता है, स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है, तब जाके मूवमेंट आपके हाथ में आती है, तब जाके आप वो फिटनेस दिखा सकते हो लोगों को। तो इस तरह से स्टिल इन दिस एज एंड 25 इयर्स इन दिस फिटनेस इंडस्ट्री स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम सेइंग माय सेल्फ आई एम अ लर्नर, आई एम स्टिल लर्निंग एंड इम्प्रूविंग माय सेल्फ एंड वॉट एवर आई इम्प्रूव आई इम्प्लीमेंट दैट इन माई ट्रेनिंग विच बेनिफिट माई क्लाइंट्स। So this way I am still working and training people and trying to improve myself. सर के सर्टिफिकेशन सुन के मुझे लग रहा है मेरे सामने डॉक्टर ही बैठे। मैंने ये सर्टिफिकेशन करने का रीजन ये था, बैक प्रॉब्लम का मुझे पता चला कि ये सब चीजें भी है और इतनी सारी चीजें, और जब आप लर्न करते हो पता चला ये भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है, इसमें ये बेनिफिट है, इसके वजह से आप ये कर सकते हो, इसके वजह से वो कर सकते हो, ये एक चीज आपको दूसरे टेक्निक में हेल्प कर सकती है और आप इजिली लोगों को उनके टारगेट तक पहुंचा सकते हो, और प्लस आपको वेरिएशन मिल जाते हैं जो लोगों को हैप्पी भी रख सकते हैं। लोगों को कैसे होता है, लोगों को हर बार आप नए वेरिएशन दोगे तो वो रेगुलर वर्कआउट करेंगे, अदरवाइज सर्टेन टाइम पर वो छोड़ देंगे। और रेगुलर वर्कआउट करने के लिए और उनको प्रोग्रेस भी करवाने के लिए आपके पास भी नॉलेज होना जरूरी है, आपके पास भी खजाना चाहिए। देन यू हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड मिक्स मैच करो वो चीजों को, मेक देम मोर स्ट्रॉन्गर मोर हार्डर, मेक देम एंटरटेन ऑल्सो एंड दे ऑल्सो एंजॉय, यू ऑल्सो एंजॉय, यू ऑल्सो अर्न मोर मनी। यानी कि आपके पास नॉलेज का बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए आपके पास बहुत सारे ये जो सेलिब्रिटी नाम बताए आपने वो आपके पास आते हैं। सर सबसे पहला सेलिब्रिटी आपके पास कौन है? सबसे पहला सेलिब्रिटी मेरे रितेश देशमुख है। वो कांटेक्ट कैसे हो गया? कैसे हुआ, आप बोलते हैं ना जैसे मैं ये स्लिप जब मैंने 15 साल बॉडी बिल्डिंग की तो बॉडी बिल्डिंग में वहाँ पे मुझे कुछ इतना इनकम नहीं हो रहा था, मैं टाउन साइड सिखाता था। मैंने सोचा चलो अपन आके सबब में आके ट्रेनिंग करते, तो वहाँ पे मैंने फिर से फर्स्ट से स्टार्ट किया। वहाँ पे छोटे छोटे क्लाइंट थे 5,000 रुपीज के, जिसमें कुछ हो नहीं रहता, फ्लक्चुएशन इतना था। इस फिटनेस इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशन इतना है, आप कभी 5,000 से 50,000 कमाओ तो 50,000 से डायरेक्ट जीरो हो जाते। और शादी हो गई थी और हाथ में कुछ, अगर आपका जीरो इनकम होता है हाउ विल यू सर्वाइव? चलो आपका खुद का नहीं, आपको घर का भी देखना है, चलो आपका खुद का भी नहीं हो रहा ठीक है, आप एक बार चल जाएगा, आप कैसे तो मैनेज कर लोगे, बट आपको घर पे तो देना है, आपकी अगर फैमिली होगी बच्चे होंगे तो उनको भी चलाना है, प्रोग्रेस भी करना है। तब मैंने वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ गया, बोले यहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रिटी लोग हैं, फिर एथलीट है, तो वो लोग शायद मेरे नॉलेज को पहचानेंगे एंड दे कैन
गिव मी मोर मनी। यहाँ पे मेरी आदत थी अगर कोई गलत कर रहा होगा तो मैं उसको आगे सिखाता था, बट सिखाते मैं देखता था ही, अगर उसको अच्छा लगे तो ही मैं सिखाता था, बट एक बात बता रहा था कि आप ऐसे करोगे तो आपको शायद ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये जो मेरी लोग हेल्प करने की आदत थी वो रितेश इसमें किसी कजन ने देखी थी। हाँ, उन्होंने वो किसी और ट्रेनिंग का अटेंड कर रहे थे, बट उन्होंने अपने ट्रेनर को अप्रोच नहीं किया, उसने बोला आई सीन यू, यू आर ट्रेनिंग अदर पीपल एंड योर नॉलेज इज वेरी गुड, आप जो भी बता रहे हो परफेक्ट हो, साइंटिफिकली बता दो। साइंटिफिकली बताना जरूरी होता है, आप कुछ भी एक्सप्लेन करोगे और वो एक्सप्लेनेशन लोगों के दिमाग में नहीं बैठा उनके, या उनको वो पसंद नहीं आया, उनको लगा नहीं कि ये जो बोल रहा है उसमें कुछ सच्चाई नहीं है या साइंटिफिकली नहीं है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बताना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, पर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना आना चाहिए जो कोई भी एक्सेप्ट करे। तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता था। उन्होंने बोला, देखा मुझे, उन्होंने बोला मैं रितेश देशमुख जी को आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि बट वो CM उस टाइम उनके पिता CM थे, उतने बड़े आदमी करवाना चाहता था, तो मैं चाहता हूँ कोई अच्छे ट्रेनर को भेजूँ, ना कि मैं भी किसी ट्रेनर का ट्रेन करता, बट मैं उसको नहीं भेजना चाहता कि मेरा नाम ना खराब हो जाए कि उसने कुछ गलती की, आपका नॉलेज अच्छा है तो आप शायद अच्छे सिखा पाओ। और उन्होंने मुझे पहले अप्रोच, क्या बात है। एंड आपको इसके पहले का इंसिडेंट बता दूं, मैं टाउन में जब काम ये ट्रेनिंग का तरफ पर्सनल सुबह से शाम तक, आई यूज टू ट्रैवल फ्रंट ऑफ दैट US एम्बेसी। हर बार वो US एम्बेसी यहाँ पे ना क्राउड रहता था, लोग क्यू में खड़े होके वीजा के लिए अप्लाई करते रहते। मैंने बोला ये लोग, एक बार मैं रुक के देखा वहाँ पे, ये लोग तो हर रोज लाइन लगाते हैं, अपनी तो जिंदगी गई, अपन तो कुछ 15 सालों में बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, फिर ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा, मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा। ऐसे करके मैंने भगवान का नाम लिया, सिद्धिविनायक। बॉम्बे में लोग सिद्धिविनायक में जाते हैं, एंड ऐसे हताश होकर छोड़ दिया, वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आया। विद इन 1 ईयर आई गॉट रितेश देशमुख, मुझे ऑफर किया सामने से अपने को वर्ल्ड टूर के लिए जाना है, और वहाँ पे मुझे मेरे ट्रेनर चाहिए, और एक ही साल में पूरा वर्ल्ड देख लिया। सोचना जरूरी है एंड उसके ऊपर काम करना जरूरी है, गिव अप नहीं करना है। तो आपने जो भी सोचा है वो चीजें आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। पुराने यादों को मिस करते हैं अभी भी? ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं पहले बोल रहा 5,000-50,000 तो बहुत अच्छा होगा, और मैंने साल भर के बाद देखा मैं 50,000 कमा रहा हूँ, भले वो मेरे हाथ में नहीं बट मैंने उतना कमाया, उसके बाद एक्सपेंसिस भी बढ़ते हैं। तो ऐसे 50,000 से 5 लाख होगा तो अच्छा होगा, 5 लाख भी हो गए, 5 लाख से 50 लाख हो गए तो अच्छा होगा, वो भी हो गए। मैंने जो मांगा भगवान ने मुझे दिया, बिकॉज उसके साथ मैंने हार्डवर्क भी किया। मैं 16 घंटे काम करता हूँ, कभी भी कोई बोला मैं जाता हूँ, प्लस अपने आप को अपडेट करता हूँ, ऑलवेज लर्न करते रहता हूँ, स्टिल आई एम लर्नर, आई टोल्ड यू कि अभी भी मैं सीखता हूँ, एंड जो भी अच्छा सीखता हूँ वो अपने ट्रेनिंग में ऐड करता हूँ, लोगों को उस तरह से और प्रोग्रेस करवाता हूँ। तो इस तरह से अगर आप करो तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है, ना कि कांटेक्ट से आप जाओगे बट थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टाइम, कोई अच्छा आ जाएगा तो आपको आपका आपकी जगह ले लेगा। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो, अच्छा नॉलेज हो, तो शायद आप लॉन्ग टर्म तक टिकोगे, और उससे बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब आके आपका ट्रेनिंग करेंगे और इंजॉय भी करेंगे और आपके साथ भी रहेंगे सालों साल। मेरे सब क्लाइंट मेरे साथ 20-20, 15-15 सालों से ज्यादा है, तो अभी तक मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही ट्रेनिंग। सर, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग की फीस कितनी रही थी, वो हमें सुनना है। वो ट्रेनिंग सीखने के लिए आपको BC Patel में आना पड़ेगा, तब वो बदल रहा है। तो बता दूं, मेरी जिम में अभी मैंने रिड्यूस किया, पहले बहुत ही हाई चार्ज करता था, एक अभी मैंने सर्टन रखा है 1.5 लाख रुपीज पर 12 सेशन। हाँ, मैं चार्ज करता हूँ यहाँ पे मेरी जिम में, और बाहर कहीं पे जा रहा हूँ 2.5। अगर किसी ट्रैवलिंग करना होगा तो 75 से लेके 1 लाख 1 लाख 50,000 तक पर डे ट्राई करो, इसे कहते हैं सक्सेस ट्रेनर। सर, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लेडीज बोलते हैं कि शिल्पा शेट्टी जी ने आफ्टर प्रेगनेंसी फैट लॉस कैसे कर लिया, वो हमें सुनना है। कैसे वो ये जो टॉपिक आपने बताया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने हम लोग इसके बारे में पूछा है। शिल्पा इज नोन फॉर थिन एक्टोमोबॉय टाइप, पतली थी, पर प्रेगनेंसी में क्या हुआ, पहली जब प्रेगनेंसी होती है इंडियन लाइफ स्टाइल में कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, जरा भी डाइट का ख्याल नहीं करते, कुछ नहीं, सब कुछ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सी पुट ऑन 34 kg, 34 kg पुट ऑन हुआ, टॉप टू बॉटम 1 पीस हो गए, कहीं पे कुछ शेप नहीं।
जब मेरे पास आया थोड़ा उनका नी पेन था, बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी नी पेन, लो बैक पेन, कोर वीक होता है, कैल्शियम जो बच्चे का इसकी वजह से बोन में प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करते बहुत केयरफुली ट्रेनिंग करवाना पड़ता है उनको, पहले देख कंडीशनिंग करवाना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कंडीशनिंग वर्कआउट्स होते हैं जो आजू बाजू के मसलों स्ट्रेंथन करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स फिर से खुल जाते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन फिर से आ जाता है, जिसकी वजह से आप उनको फिर से एक्सरसाइज करवा सकते हो अच्छे एक्सरसाइज, जिससे फैट लॉस हो या उनका प्रोग्रेस हो। तो उस तरह से स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज करके उन्होंने उनको मैं ट्रेनिंग करने लगा, तो तभी उनको नच बलिया कौन सा एक प्रोग्राम डांस प्रोग्राम आया उनके पास, और उन्होंने उनको एक शर्त रखी कि उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे सामने आके बोला, अरे वो लोग परफॉर्म करने बोले मेरी शो नहीं कर रहे, मैंने प्लीज डू इट, आप टू एंड हाफ का टाइम मांगो अपन कर लेंगे। मैं बोली तेरे जिम्मेदारी भी कर रही हूँ, मरवाएगा नहीं ना, करवा दूंगा। दो टू एंड हाफ ऑन थ्री मंथ मैंने उनको, वो पहले से योगा करते थे, तो मैंने वेट ट्रेनिंग, फंक्शन ट्रेनिंग, कंडीशनिंग वर्कआउट सब कुछ इंक्लूड करवाया, योगा भी करवाया, ये सब करके हम लोगों ने 34 kg फैट लॉस करवाया नेचुरली विदाउट टेकिंग एनीथिंग। एंड वहां से उन्होंने शो से मुझे वो फोटो भेजा, फ्लैट फोटो, और उससे मैसेज भेजा, एवरीबडी सॉ मी एंड दे फ्लैट, दे आर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक्स टू यू, ऐसे। वो जो मैसेज होता है वो आपको अलग दुनिया में लेके आता है, अलग ही तरह का आनंद देता है एंड सेटिस्फेक्शन देता है कि आपने जो लोगों को चीज था वो अचीव करवा के दिया, एंड वो जो अचीवमेंट की जो ये सक्सेस की जो पावर होती है, हैप्पीनेस होता है, वो कुछ अलग ही होता है। तो वो एक बार आपको लग जाए तो आप चाहोगे लोगों को उनके हिसाब से ट्रेन करूँ और उनको आगे लेके जाऊँ, और वो चीज़ आपको फिर से मिले बार बार मिले। सर ये बातें हमारी ऐसे ही चालू रहेंगी दोस्तों, ये बातें हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चालू रहेंगी। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक चल रहा है सर की सक्सेस स्टोरी के ऊपर, बहुत अच्छा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और ये वीडियो कैसा लगा आपको एक कमेंट बॉक्स में राइट करके डाल देना। तब तक के लिए बी फिट स्टे फिट।